क्या क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर से आर्मी कैंप रिमूव होने वाला है एंड भाई हमारे क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर ऑटम अपडेट कब आने वाला है भाई, इस बारे में हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में बात करने वाले। तो बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, आर्मी कैंप रिमूव होगा या फिर नहीं होगा एंड भाई हमारा ऑटम अपडेट कब आने वाला है, सितंबर मंथ के अंदर। यस गाइस, सितंबर मंथ के अंदर ही आपको ऑटम अपडेट देखने के लिए मिलेगा क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर। तो सब कुछ हम लोग बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है। एंड अगर आप लोग ऐसे ही क्लैश ऑफ क्लैन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, ताकि भाई आने वाले वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो पाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं हमारा ओटम अपडेट क्लैश ऑफ क्लैन में कब आएगा। तो गाइस वो आने वाला सितंबर मंथ के अंदर, ये 100% आप लोग कंफर्म मान सकते हो। भाई मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस 2020 में हमारे गेम के अंदर ओटम अपडेट आया था 12 अक्टूबर को एंड 2021 में 27 सितंबर को एंड 2022 में 14 अक्टूबर को। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो, एक बार CW के एंड होते ही आ जाता है एंड एक बार सितंबर के एंड में आता है। तो गाइस अभी हमारा CW यहाँ पे एंड हो चुका है, तो भाई अभी तक तो ओटम अपडेट नहीं आया, यानी गाइस हमको 100% आप मान सकते हो कि इस बार हमको सितंबर के एंड में हमारा ऑटम अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अभी गाइस ऑटम अपडेट को गेम में आने में 10 दिन बाकी, आप लोग मान सकते हो 10 से 12 दिन बाद हमारा ऑटम अपडेट गेम के अंदर मिल जाएगा। आज हमारा 19 सितंबर कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस समझ सकते हो कि हमको सितंबर मंथ के एंड में ही देखने को मिलेगा हमारा ऑटम अपडेट इस बार। अब बात करते हैं भाई क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर से क्या हमारा आर्मी कैंप रिमूव होने वाला है। सो हाँ गाइस, इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस बन के आ रहा है कि इस बार हमारा आर्मी कैंप रिमूव हो सकता है, क्योंकि गाइस TS-16 अभी गेम के अंदर आने वाला है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि TS-16 का थीम क्या होने वाला है, क्या उसका कलर होगा, क्या हमको न्यू बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेगा, क्या 5th हीरो देखने के लिए मिलेगा एंड टाउन हॉल 16 की रिलीज डेट क्या होगी, सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो उस वीडियो को एक बार चेकआउट जोर से कर लेना, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मैं पिन कर दूंगा या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, तो उसको एक बार चेकआउट जोर से कर लेना। तो भाई अभी बात करते हैं कि क्या हमको हमारे गेम के अंदर से भाई आर्मी कैंप रिमूव मिलेगा। तो हाँ भाई, हमारे गेम के अंदर से आर्मी कैंप यहाँ पे रिमूव हो सकता है, इसका ऑलमोस्ट आप लोग मान सकते हो 75% चांसेस है एंड 25% चांसेस है कि रिमूव नहीं होगा। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस निकल के आ रहे हैं कि ये रिमूव हो सकता है, क्योंकि गाइस पिछली बार भी जब टाउन हॉल 15 गेम में आया था तो गाइस हमको भाई यहाँ पे हमारे बैरक्स रिमूव हुए थे, क्योंकि गेम में भाई अगर बैरक्स रहते तो भाई और बिल्डिंग्स हम लोग ऐड नहीं कर पाते, मतलब क्लैश ऑफ क्लैन वाले उसको ऐड नहीं कर पाते। तो गाइस अभी टाउन हॉल 16 का काफ़ी बड़ा अपडेट होने वाला है, तो वो गेम में आएगा तो भाई गेम मतलब पूरा यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा, इसलिए मतलब वो यहाँ पे आर्मी कैंप एंड जो भी फालतू की चीजें जो मतलब डबल बहुत सारी थिंग्स है उनको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे एलिक्सर कलेक्टर, गोल्ड माइन, ये भी भाई काफी ज्यादा है हमारे बेस के अंदर, मतलब कि फालतू की स्पेस घेर के बैठे हैं, तो बस इनको भी ये लोग रिमूव कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर आर्मी कैंप रिमूव होगा तो फिर भाई गेम में कैसा क्या सीन रहेगा। तो गाइस आपने देखा होगा जब हमारा मतलब यहाँ पे बैरक्स रिमूव हुए थे, तो गाइस हमारे जो बहुत सारे बैरक्स थे उसमें हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा लगते थे, तो भाई रिसोर्सेज भी हमारी सेविंग हो गई। एंड बात करें कि हम लोग हमारे इतने सारे बैरक्स थे तो उनको अपग्रेड करते तो भाई जो हमारे ट्रुप्स होते थे उनका कुछ यहाँ पे टाइमिंग कम हो जाता था, आपको ये शायद से पता होगा। तो भाई उन्होंने मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही बैरक्स रख दिया एंड भाई उसके अंदर ही सारा जुगाड़ कर दिया। तो समझ सकते हो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेम अनबैलेंस हो जाएगा, भाई वो अगर गेम में से यहाँ पे आर्मी कैंप को रिमूव करेंगे तो गाइस इसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा, कुछ आइडिया होगा उनका, कुछ प्लानिंग होगी, तभी भाई वो यहाँ पे आर्मी कैंप को रिमूव करने का सोच रहे। तो गाइस आप लोग ऐसा कुछ भी मत सोचना कि भाई हमारे जो 320 की जो स्पेस होती है आर्मी कैंप में भाई वो एक में कैसी रहेगी एंड जो हमारे ट्रुप्स होते हैं भाई वो एक साथ कैसे रहेंगे, मतलब कि समझ सकते हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप लोग मतलब 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड कुछ लून्स को आप ट्रेन करते हो तो गाइस 2-3 आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन शो करेंगे एंड 2-4 लून्स शो करेंगे एंड बाकी की तो आपके आर्मी ट्रेन है ही। तो गाइस ऐसा कुछ सीन हो सकता है, आप लोग मेरे आइडिया से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाय द वे आपको क्या लगता है कि क्या आर्मी कैंप रिमूव होगा एंड कौन सा न्यू बिल्डिंग्स आ सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने यहाँ पे आर्मी कैंप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया एंड भाई हमारा ऑटम अपडेट कब आएगा उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल्स में बात किया। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस अभी तो क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर टाउन हॉल 16 से रिलेटेड काफी ज्यादा हिंट मिलने वाले, तो गाइस इसलिए आप लोग चैनल से हमेशा ही कनेक्टेड रहा करो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब पहले से ही करके रख लेना। एंड आपने मेरा टाउन हॉल 16 वाला वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई टाउन हॉल 16 का क्या थीम होने वाला है, क्या उसका कलर होगा, क्या हमको इस बार 5th हीरो देखने के लिए मिलेगा, टाउन हॉल 16 की रिलीज डेट क्या है कंफर्म, सब कुछ मैंने बताया उस वीडियो के अंदर, तो उसको एक बार चेकआउट जोर से कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो गाइस फटाफट वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन करो एंड भाई उसके अंदर फटाफट आप लोग चेकआउट करो टाउन हॉल 16 का पूरा कॉन्सेप्ट। तो बाय द वे यही था हमारा आज का वीडियो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि हमको फटाफट 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। मैं मिलूंगा आपसे जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक ले गुड बाय।